वैक्सीनेशन की बात करेंगे। मुल्क में वैक्सीन की किल्लत दूर हो गई। चीन से 15 लाख खुराकें पहुंचने के बाद सिंध और पंजाब में वैक्सीनेशन का दोबारा आगाज कर दिया गया। शहरियों को साइनोवैक और साइनोफार्म की खुराकें फराहम की जा रही हैं। एनसीओसी के मुताबिक अगले 10 रोज में मजीद 50,000 खुराकें पहुँच जाएंगी। वैक्सीन की 15 लाख डोजेज आ गई। सिंध और पंजाब में वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हो गई। सिंध को साइनोवैक की 4,32,000 डोज मिल गई। लोगों की बड़ी तादाद सुबह सवेरे ही कराची एक्सपो सेंटर पहुंच गई। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आज माशाल्लाह बड़ी सहूलत के साथ लगी है और बड़ी मेहरबानी है गवर्नमेंट की कि ये करीब सेंटर बना दिए इन्होंने। हमें सहूलत बड़ी अच्छी मिली। सबसे बड़ी बात ये हमें सहूलत अंदर इतनी मिली कि टाइम नहीं लगा हमारा, टाइम बर्बाद होने से बच गया। शहर के दीगर मराकज पर भी वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। एनसीओसी ने मुल्क में वैक्सीनेशन की किल्लत का तासर मुस्तरद कर दिया। हुक्काम के मुताबिक अगले 10 रोज में मजीद 50,000 खुराकें पहुंच जाएंगी। असद उमर कहते हैं 12 से 18 जून के दौरान 23 लाख शहरियों ने वैक्सीन लगवाई। इस हफ्ते के दौरान वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम करेंगे।